आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 21 में 312 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम 21 बट्टे 312 ऐसे भी लिख सकते हैं। 312 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखने की कोशिश करें। देखिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है किस में, इससे पहले लिखी हुई संख्या में। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको यहाँ बीच में लिखा जाता है। क्या ये बड़ा है, नहीं है तो क्या काम करेंगे, एक काम करेंगे पॉइंट लेंगे, जीरो लिख देंगे। क्या अब बड़ा, अभी भी बड़ा नहीं है पॉइंट लेने के बाद भी, तो फिर डिवाइड कितनी बार होता है आपका, जीरो बार होता है। फिर हमने घटाना होता है, फिर चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो घटाते जो संख्या है इसके साथ हम जीरो लिख देंगे। अब इसको हम एक से लेकर नौ तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इस संख्या से बड़ा ना आए, तो हमने इसको गुणा किया 7 से, तो इससे बड़ा रहे। 6 से गुणा किया इससे, 6 से, तो इससे बड़ा नहीं आ रहा है। कितना रहे, 2। फिर हमने इसको घटा देना है, ठीक है, घटाने पे कितना रहे, 8। 2 और 2 पॉइंट लगा रखा है तो ज़ीरो लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने लायक बात है, इसको नोट कीजिएगा, घटाने पर जो संख्या है वो हमेशा छोटी रहेगी। किससे, जिस संख्या का डिवाइड करें, किसका डिवाइड करें, 312 का, तो आप देख सकते हैं ये 312 से छोटी है, इसका मतलब हमने डिवाइड सही किया है। पॉइंट लगा रखा है इसके साथ ज़ीरो लिख देंगे। फिर हम इसको कौन सी संख्या से गुणा करें कि इससे बड़ा ना आए, लगाओ दिमाग। अब इसको हमने 7 से गुणा किया, फिर हमने इसको घटाना है, तो इस प्रकार से यह डिवाइड आपका आ गया है जो चलता रहता है। ये आपका भागफल आ गया, इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। धन्यवाद।